ये लगता है क्या बुरी आदतें हैं। वैसे आज क्या खास बात है? क्या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है? नहीं, आज तुम्हारे डैड को सैलरी मिलने वाली है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हम इतने आराम से इसलिए रहते हैं क्योंकि तुम्हारे डैड हर रोज दिलो जान से इतनी मेहनत करते हैं। तो फिर हमें उनकी और कदर करनी चाहिए। जब डैड घर आएंगे तो मैं उनसे मिलकर उनकी तारीफ करूँगा। फोन बज रहा है। हेलो, नोबिता बोल रहा हूँ। ओ डैड। हाय नोबिता, क्या तुम अपनी मॉम को ये मैसेज दोगे? मेरे बॉस ने मुझे बाहर पर इनवाइट किया है। उन्हें बताना कि मैं खाना भी बाहर खाऊंगा और देर से आऊंगा। ठीक है ना? तुम समझ गए ना? हाँ? किसका फोन था? डैड कह रहे थे कि आज वो लेट आएंगे। हाँ? वो आज रात अपने बॉस के साथ लेने जाएंगे। ये तो गलत है। जो खाना मैंने इतनी मेहनत से बनाया उसका क्या होगा? योर एयरटेल डिजिटल, क्योंकि उसे मैंने पर बाहर बुलाया है, वो भी उसकी सैलरी के दिन। बॉस, बहुत देर हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। हाँ, बस ये शो खत्म हो जाए। नहीं, मैंने कहा अभी जाओ। डोरेमोन, हमारी मॉम जरा जिद्दी है, वो बेकसूर है। मॉम, आप क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने अपनी सैलरी का लिफाफा खो दिया। क्या? सैलरी का लिफाफा? एक मिनट, जरा शांत हो जाओ, अभी हमें ठीक से नहीं पता। नहीं, मैंने सब जगह देख लिया पर कहीं नहीं मिला। तुमने उसे कहीं खो दिया? तभी तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि सैलरी लेकर सीधा घर आया करो। हाँ, लेकिन मैं तो हर महीने। तुम उसे सीधे अपने अकाउंट में जमा क्यों नहीं करवाते? लेकिन बात यह है कि जब तक मुझे कैश एनवेलप में नहीं मिलता, मुझे लगता नहीं कि मुझे सैलरी मिली है, समझी तुम? ओह, याद आ गया, मैंने कल रात तुम दोनों को अपनी सैलरी का लिफाफा दिया था। क्या? हमें दोष मत दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, तुम बच्चों पर इल्जाम मत लगाओ। और वैसे भी तुम ये मत भूलो कि तुम कल रात कहाँ पर थे, समझे? हाँ, वो रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद मैं पास के होटल में गया था, और खैर अब मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने के बाद वापस आ जाता हूँ। हाँ ऐसा ही करना, और अपने बॉस से ये पूछना मत भूलना कि तुम पिछली रात कहाँ रुके थे। हाँ जरूर। कल रात डैड जहाँ गए थे हम वहीं जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल ठीक। डैड ने बताया था कि वो स्टेशन से उतरने के बाद अपने बॉस के साथ एक होटल में गए थे। हे, मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। डैड और उनके बॉस आते ही होंगे, वो रहे। आइए सर, और साथ में देना एक प्लेट पनीर टिक्का और एक फिश फ्राई। और आपके लिए सर? मेरे लिए लिया एक मटन सीख कबाब और कुछ कोफ्ते। अच्छे, क्या आपको जुकाम हो गया सर? शायद कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, मुझे लगता है वो नोबी की पत्नी है, क्योंकि उसके पति को मैं सैलरी वाले दिन यहाँ बाहर ले आया हूँ अपने साथ। ये सच नहीं है बॉस, मेरी पत्नी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ हे, वो रहा उनकी सैलरी का लिफाफा। वो एनवेलप अब तक उनके पास ही थी। अब तक तो हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए था। हाँ? वो दोनों तो चले गए। अगर ऐसा है तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। अरे बचाओ, कुत्ता पीछा पड़ा है। तुझे भी बचाओ, ये तो मेरे। चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। आखिर ये दोनों
लोग खाने पीने के लिए किस होटल में गए होंगे। चलो हम जाकर मोहल्ले के हर एक होटल में उन्हें ढूंढ निकालते हैं, यही एक रास्ता है। चलो एक ऑर्डर है, एक प्लेट चिकन टिक्का, एक फिश फ्राई। वो दिखे क्या? वो दोनों पार्टी कर रहे हैं, जरा सब्र से काम लो। डोरेमोन, मुझे नहीं लगता हमें उन पर इस तरह नजर रखनी चाहिए। हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। बाइसेट इस्तेमाल करते हैं। बाइसेट की मदद से हम उन पर कहीं से भी नजर रख सकते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक। बहुत ठंड लग रही है। देखो मैं उन्हें अभी चौंका देता हूँ। हाँ, ये क्या है? तुम बस देखते रहो। मेरी पत्नी, मैं तो घर चला। बच गया बैंड। नौबे, मैंने उन्हें एक अंदाजा दिया था कि मॉम उनका घर पर बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उसका तो उन पर काफी अच्छा असर हुआ। ये हम दोनों की कल रात की इमेज है, समझे? बिल्कुल ठीक। कल हम डैड के घर आने से पहले ही सो चुके थे। मैं घर आ गया। डैड आ गए। ए, मेरे लिए पानी लाओ। चलो पानी। सुनो प्लीज, शोर मत मचाओ वरना नोबिता और डोरेमोन नींद से जाग जाएंगे। रुको, ठीक है, खड़े हो जाओ, संभल कर। मैंने कहा रुको, मैं खुद चलूंगा। जाओ मेरे लिए कपड़े ले जाओ। ओके ओके। क्या वो फिर खो गया? ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने अपने पैसे इसी बैग में रखे थे। डोरेमोन, इस बार डैड के पैसों का ध्यान हम दोनों रखेंगे। हाँ डैड। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, हम नहीं चाहते कि आप इस बार भी अपने पैसे खो दें, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। ओ, अच्छा, तो तुम यहाँ पैसे संभालने आए हो। ये इतनी ज्यादा शराब मत पीजिए डैड। फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम लोग इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। आज तो हम बाल बाल बच गए। डोरेमोन, मुझे नहीं लगता है कि हमें इस तरह भागना चाहिए था। ए, तुमने कुछ गिरा दिया है, ये तुम्हारा लिफाफा है। बार बार बच गए। मैं बहुत खुश हूँ सच में। मुझे अब याद आया, जब मैं नूडल्स खा रहा था तो मैंने इसे वहीं पर छोड़ दिया था। तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा। क्या सच में? हाँ, और नोबिता, आज रात डिनर में तुम जो चाहोगे ना वही बनेगा, ठीक है बेटा? हाँ? क्या तुमने सुना डोरेमोन? बोलो। वाओ, ये 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 ये, 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 ये। कितनी खुश है ये। मैं स्टीक और सुशी भी खाना चाहता हूँ, आप मुझे दिलाओगे ना? जरूर बेटा, आज का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। तुमने सही कहा डोरेमोन।